हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिशनल डिश बनाने वाले हैं। तमिल में इसको मुरंगई कीरे कुड़म्ब कहते हैं, मतलब पालक सहजन पत्ता के साथ बना हुआ शोरबा। आइए पहले हम इसके लिए होने वाले सामाने देख लें। पालक सहजन की पत्ता 2 कप, सरसों के बीज और उड़द दाल, दाद का तेल, मूंग दाल, लहसुन, करी पत्ता, छोटा प्याज, सूखी मिर्च, जीरा और काली मिर्च। पहले हम ये डिश बनाने के लिए ड्राई पाउडर तैयार करना चाहिए। हम ये ड्राई पाउडर को ट्रेडिशनल मेथड में तैयार करने वाले हैं, यानी पहले पैन में बिना तेल सूखी मिर्च, काली मिर्च, जीरा मिलाकर तल के उसके साथ लहसुन डाल के अच्छी तरह तल लेना चाहिए। इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख लें। इसके बीच हम अलग पैन में थोड़ा तेल लेकर गरम होने से सरसों के बीज, उड़द दाल, छोटा प्याज, करी पत्ता सब एक के बाद डाल के तलना चाहिए। छोटा प्याज जितना ज्यादा डालने से पालक का स्वाद बढ़ती है। प्याज को आधा पाव तलने के बाद इसमें मूंग दाल मिलाकर उसके साथ 1 या 2 कप पानी डाल के उबालना चाहिए। तब तक पहले बिना तेल से तला हुआ चीजों को पत्थर में पीस लें। मिक्सी में पीसने के बिना पत्थर में पीसने से अच्छी फ्लेवर्स मिलती है। अब मूंग दाल थोड़ा उबलने के बाद साफ किया हुआ पालक सहजन पत्ता और नमक मिलाकर ढक्कन डाल के 2 मिनट तक उबालना चाहिए। पालक पत्ता को हम बहुत देर साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक बहुत हल्का है और ज्यादा देर साफ करने से उसके अच्छे गुने नहीं मिलता है। पालक पकने के बाद अब हम पत्थर में पीसा हुआ पेस्ट को मिलाकर 5 मिनट तक उबालना चाहिए। पालक सहजन पत्ता से बना हुआ ये डिश अब तैयार। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए दोस्तों जरूर आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए। हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।